हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड साम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ब्रद वाली आलू चिवड़ा की रेसिपी। इसको आलू नमकीन भी बोलते हैं और आप इसको एक बार बना के 30 दिनों के लिए डब्बे में भर के रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े इसको खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आलू नमकीन बनाने के लिए मैंने इधर 6 बड़े साइज के आलू को छील के रखा है और इसको पानी में रखा है ताकि ये काला ना पड़े। और आपके पास जो सबसे बड़ा वाला ग्रेटर है उससे इसको ग्रेट कर लेना है और इसको लंबाई में इस तरीके से, देखिए जैसे वीडियो में दिख रहा है, इस तरीके से आपको करना है। ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है और लंबाई में घिसना है, तो इस तरीके के बड़े बड़े लच्छे निकलेगा। और इसको तुरंत पानी में डाल दीजिएगा, नहीं तो ये काला हो जाएगा। पानी में डालने से इसमें जो स्टार्च है वो भी निकल आएगा अच्छे से। तो इस तरीके से सारे जो आलू है उसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ऐसे ऐसे करना नहीं है, ऐसे लंबाई में इसको इस तरीके से ग्रेट करना है। तो मैंने सारे जो आलू है उसको ग्रेट करके पानी में रखा था। अभी इसको अच्छे पानी में 2-3 बार के लिए वॉश कर लेना है ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। स्टार्च रह जाएगा तो ये एक के साथ एक चिपक जाएगा फ्राई करते टाइम। तो इसको अच्छे से 2-3 बार क्लियर पानी से धो लेना है और इस पानी को फेंक देना है। स्टार्च वाले पानी को फेंक के इसको 3-4 बार अच्छे से धो लूँगी मैं। धोने के बाद इसको पानी को अच्छे से ड्रेन आउट करना है। मैंने एक छन्नी के ऊपर इसको रख दिया है तो एक्सेस पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा। उसके बाद एक कोई सूखा कपड़ा लेके उसके ऊपर इसको बिछा दीजिए और इसका जो पानी है उसको हल्के हल्के से पोंछ लेंगे। आप चाहे तो इसको पंखे के नीचे रख सकते हैं तो उससे भी इसका जो पानी है वो सूख जाएगा, पर इससे जल्दी हो जाएगा। तो कपड़े से इसको थोड़ा सा मैं पोंछ लूँगी और तब तक बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने इधर 1 कप मूंगफली लिया है, ये रोस्टेड नहीं है, नॉर्मल मूंगफली है। और इधर मैंने कुछ सूखा नारियल जिसको खोपरा बोलते हैं वो भी लिया है स्लाइस करके, और कुछ आलमंड्स लिया है, किशमिश लेंगे। सभी जो ड्राई फ्रूट्स है उसका क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये काजू है और ये सेंधा नमक है जो व्रत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये ब्लैक पेपर पाउडर है। बस इसी सारे मसाले में ये रेडी हो जाएगा। तो सब ऑयल को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो जल्दी जल जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, और बहुत कम गरम लो हीट पे अगर गरम कर रहे हैं तो वो एक के साथ एक चिपक जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो मीडियम गरम होने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए। उसके बाद जितना एक बार में आता है उतना ही डालिएगा आलू, ज़्यादा नहीं डालना है एक बार में। तो जितना एक बार में आए उतना डालिए, और डालने के तुरंत बाद इसको हिलाएंगे नहीं। जब ये इसका झाग ख़त्म हो जाए तभी इसको थोड़ा सा चला देंगे और इसको लो फ्लेम में बीच में चलाते हुए, थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है। ये फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग जाता है, और एक बार फ्राई होने के बाद जब ये थोड़ा सा येलो येलो कलर आ जाए तभी इसको निकाल लेना है। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसको निकालने के बाद भी इसके कुकिंग प्रोसेस चलता है क्योंकि हीट रहता है इसमें, तो उसके बाद भी ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो जब ये थोड़ा क्रिस्पी लगे और इस तरीके का कलर हो जाए तभी इसको निकाल लेना है, गोल्डन कलर का करना है, डार्क ब्राउन नहीं। तो इसी तरीके से बाकी के जो आलू है वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। सारे आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। अभी इसी तेल में मूंगफली जो रखा था उसे भी फ्राई कर लेते हैं, और फ्लेम को हमेशा ही लो रखना है। मूंगफली का जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसका मतलब ये हो गया है, तो तब इसको निकाल लेंगे। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स है उसको फ्राई करने के बाद ही आलू में नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उसके बाद मिलाएंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो अभी इसको निकाल लेती हूँ।
आप चाहे तो कोई किचन टॉवल पे, टिश्यू पेपर पे इसको निकाल सकते हैं, तो एक्सेस जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरीके से आलमंड्स को भी फ्राई कर लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुका है। अब नारियल को भी फ्राई कर लेते हैं। कोई ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और सेम तरीके से काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया है। किशमिश को नहीं फ्राई करना है, उसको ऐसे ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो ठंडा हो चुका है, तो एक एक करके डाल देंगे। मूंगफली, बादाम, किशमिश, काजू और नारियल। ये व्रत के लिए है तो इसमें ज़्यादा मसाले में मैं नहीं डाल रही हूँ, बस सेंधा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। अभी इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स होने के बाद इसको एयरटाइट जार में भर के मैं रख दूंगी और 30 दिनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सजेशन हो और कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। रेडी हो गया है व्रत वाली आलू नमकीन, आलू चिवड़ा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।